हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फिफ्थ के जो क्वेश्चंस बच गए थे हमारे 45 क्वेश्चन पेंडिंग क्वेश्चन जो थे हमारे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी यूनिट फाइव को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये किस सब्जेक्ट की यूनिट फाइव है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और आपको पता भी होगा, है ना। तो फिर भी BA थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर हमारा सब्जेक्ट है, उसका पेपर सेकेंड चल रहा है हमारा, मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं यूपी स्टेट की, उनके सिलेबस में ये है हमारा पेपर सेकंड मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग, और कुछ के में अलग सिलेबस है। ठीक है, तो अपने सिलेबस को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर देख लें यूनिवर्सिटी की। तो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये हमने पहले ही कम्प्लीट कर चुके हैं, जिसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी चल रही है यूनिट फाइव जो है बेसिक ऑफ रिपोर्टिंग। इसके भी 35 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट। ये वाले क्वेश्चन तो पहले ही कवर कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 है ये हमारा। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ न्यूज़ गैदरिंग इन जर्नलिज्म। यानी जर्नलिज्म में न्यूज़ गैदरिंग का प्राथमिक लक्ष्य है, गोल क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है न्यूज़ गैदरिंग का। ऑप्शन है इसमें ए एंटरटेनमेंट करना, बी है डिसेमिनेशंस ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज को फैलाना, सी है सोशल नेटवर्किंग, डी है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूज़ गैदरिंग में जो है हम क्यों, इसका प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है, डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज को फैलाना होता है, है ना, न्यूज़ को इकट्ठा करने का मेन पर्पस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच टाइप ऑफ रिपोर्ट्स इम्स टू प्रोवाइड स्नैपशॉट ऑफ ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स इन अ प्रोजेक्ट इनिशिएटिव और गोल। यानी किस प्रकार की रिपोर्ट का उद्देश्य किसी परियोजना पहल या लक्ष्य में चल रहे विकास का एक स्नैपशॉट प्रदान करना है। ठीक है, अगर कोई लक्ष्य है या परियोजना चल रही है उसका एक स्नैपशॉट प्रदान करना किस रिपोर्ट का उद्देश्य होता है, किस रिपोर्ट का एम होता है। ऑप्शन है इसमें ए एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक रिपोर्ट का, बी है कंप्लायंस रिपोर्ट्स यानी अनुपालन रिपोर्ट्स का, सी है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स का, डी है टेक्निकल रिपोर्ट्स का। तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रोग्रेस रिपोर्ट का जो है कोई भी परियोजना चल रही है या फिर कोई भी योजना चल रही है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी देना। ठीक है, तो प्रोग्रेस हो रहा है ना, परियोजना अगर चलती है तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्रेस होगा, है ना, तो उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के में दिया जाता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट रोल डू एडिटोरियल मीटिंग प्ले इन न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस। एडिटोरियल मीटिंग जो होती हैं वो न्यूज़ गैदरिंग में कैसा रोल प्ले करती हैं, यानी न्यूज़ गैदरिंग प्रक्रिया में जो एडिटिंग एडिटोरियल मीटिंग्स जो होती हैं उनकी क्या भूमिका निभाती हैं ये। ऑप्शन है इसमें ए कंडक्टिंग इंटरव्यूज़ यानी इंटरव्यू को कंडक्ट करवाती हैं, आयोजित करवाती हैं, बी है बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टेंट्स यानी संपर्कों का एक नेटवर्क बनाना कॉन्टेक्ट्स, सी है आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग पोटेंशियल स्टोरीज यानी संभावित कहानियों की पहचान करना और प्राथमिकता देना, डी है लिवरेजिंग डिजिटल टूल्स एंड सोशल मीडिया यानी डिजिटल टूल और सोशल मीडिया का लाभ उठाना। ठीक है, तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा सी आइडेंटिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग पोटेंशियल स्टोरीज यानी जो एडिटोरियल मीटिंग्स होती हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, संभावित कहानियों की पहचान करना और प्राथमिकता देना, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, Why is thorough research essential in news gathering? यानी समाचार news gathering में गहन शोध research क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है इसमें ए टू अटेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, है ना, इसका कोई इससे मतलब ही नहीं है। बी है टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टेंट्स, एक कॉन्टेंट्स को बिल्ड करना मतलब संपर्कों का एक नेटवर्क बनाना, बिल्कुल नहीं। सी है टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू यानी मुद्दे किया जो बैकग्राउंड है और जो संदर्भ और महत्व को समझना,
डी है टू लेवरेज डिजिटल टूल्स एंड सोशल मीडिया, यानी डिजिटल टूल और सोशल मीडिया का लाभ उठाना। तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड को समझना, कॉन्टेक्स्ट को और सिग्निफिकेंस, उसके महत्व को समझना। ठीक है, मतलब इन्होंने रिसर्च क्यों ज़रूरी बताई है, ताकि हम बैकग्राउंड समझ सकें किसी भी न्यूज़ का, उसका संदर्भ समझ सकें, उसका महत्व क्या है उस इशू का, ये समझ सकें। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, इसलिए उस पर रिसर्च करना ज़रूरी होता है किसी भी न्यूज़ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डू इंटरव्यूज कंट्रीब्यूट टू इन द न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस, यानी जो इंटरव्यू होते हैं वो न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस में इंटरव्यू का योगदान, क्या योगदान देते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ कंटेंट, ये गलत लिखा है, कॉन्टैक्ट्स होगा। ठीक है, मतलब जो ये क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट्स का एक नेटवर्क बनाते हैं। बी है लेवरेजिंग डिजिटल टूल्स, यानी डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाना, ये भी आंसर नहीं होगा। सी है प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड विविड डिस्क्रिप्शन, यानी एक एक्यूरेट और एक ठीक विवरण देना। डी है अटेंडिंग इवेंट्स एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कार्यक्रमों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड विविड डिस्क्रिप्शंस, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, वाई आर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स क्रूशियल, यानी महत्वपूर्ण हैं फॉर रिपोर्टर्स इन न्यूज़ गैदरिंग, यानी न्यूज़ गैदरिंग में जो, यानी न्यूज़ गैदरिंग में पत्रकारों, रिपोर्टर्स के लिए जो ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को देखकर ऑब्जर्व करना है ना, वो क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन है इसमें ए, टू अटेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। बी, टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टेंट्स, यानी कॉन्टेक्ट्स का एक नेटवर्क बिल्ड करने के लिए। सी है टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड विविड डिस्क्रिप्शन, यानी एक सटीक और विविड डिस्क्रिप्शन को देने के लिए, विवरण देने के लिए। डी है टू लेवरेज डिजिटल टूल्स एंड सोशल मीडिया, यानी डिजिटल टूल और सोशल मीडिया का लाभ उठाने के लिए। तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, टू प्रोवाइड अ एक्यूरेट एंड विविड डिस्क्रिप्शन, यानी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स क्यों ज़रूरी है, ताकि जो भी जर्नलिस्ट है वो एक एक्यूरेट सटीक न्यूज़ प्रोवाइड करा सके और एक विविड डिस्क्रिप्शन दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन इन न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वेरिफिकेशन सत्यापन का जो उद्देश्य होता है वो क्या है, न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस में सत्यापन का क्या उद्देश्य होता है, वेरिफिकेशन, किसी भी न्यूज़ को वेरिफिकेशन करने का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन है इसमें ए, अटेंडिंग इवेंट्स, यानी इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। बी है बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टेंट्स, यानी कॉन्टेंट्स का एक नेटवर्क बनाने के लिए। सी है इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी, सटीकता और रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, यानी मतलब सूचना की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। डी है लेवरेजिंग डिजिटल टूल्स एंड सोशल मीडिया, यानी डिजिटल टूल और सोशल मीडिया का लाभ उठाना। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, अगर हम किसी भी न्यूज़ को वेरीफाई करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सटीक है या नहीं है, है ना, रिलायबल है या नहीं है, तो ये वेरीफाई करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डू रिपोर्टर्स स्टे अपडेट ऑन ब्रेकिंग न्यूज़ एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस। यानी पत्रकार जो होते हैं, जर्नलिस्ट, ब्रेकिंग न्यूज़ और जो न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस में उभरते ट्रेंड पर कैसे अपडेट रहते हैं, मतलब जो भी न्यूज़ गैदरिंग पर जो भी अपडेट्स आती हैं, है ना, जो भी ट्रेंड होते हैं उसके लिए कैसे अपडेट रहते हैं, ये बताना है, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कैसे अपडेट रहते हैं। तो ऑप्शन इसमें ए, थ्रू ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के ज़रिए, ऑब्जर्व करने के ज़रिए। बी है बाय अटेंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर। सी है बाय लेवरेजिंग डिजिटल टूल्स एंड सोशल मीडिया, डिजिटल टूल और सोशल मीडिया का लाभ उठाकर। डी है बाय कंडक्टिंग थ्रू रिसर्च, यानी रिसर्च करके, गहन शोध करके। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रेकिंग न्यूज़ और जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में कैसे पता चलता है, डिजिटल टूल्स एंड सोशल मीडिया का लाभ उठाकर। क्या हो जाएगा आंसर सी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट रोल डज नेटवर्किंग प्ले इन न्यूज़ गैथरिंग, यानी न्यूज़ गैथरिंग में नेटवर्किंग क्या भूमिका निभाती है। ऑप्शन है इसमें ए प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड विविड डिस्क्रिप्शंस, यानी एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। बी है लेवरेजिंग डिजिटल टूल्स, यानी डिजिटल टूल्स का लाभ उठाना। सी है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्टेंट्स फॉर वैल्यूएबल इंसाइट्स, यानी मूल्यवान अंतर्दृष्टि के लिए संपर्क बनाना और बनाए रखना। डी है अटेंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना। तो 44 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। हम क्यों नेटवर्किंग का सहारा लेते हैं न्यूज़ गैदरिंग में, ताकि हमारे जो कंटेंट्स हैं वो बने रहें और हमारी जो कंटेंट होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, आपने देखा ही होगा उनकी काफ़ी जगह जान पहचान होती है, ताकि कोई भी उनको सूचना, कोई भी न्यूज़ हो तो उनको जल्दी से मिल जाए। इसलिए नेटवर्किंग ज़रूरी है, कंटेंट्स बनाना ज़रूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हाउ डू रिपोर्टर्स गैथर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेस इन न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस, यानी न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस में पत्रकार, जर्नलिस्ट यानी रिपोर्टर सीधे आधिकारिक सोर्सेस से जानकारी कैसे एकत्र करता है। ऑप्शन है इसमें ए लेवरेजिंग डिजिटल टूल्स, यानी डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाकर। बी है बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टेंट्स, यानी कॉन्टेंट बनाकर अलग अलग, ठीक है। सी है अटेंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ब्रीफिंग, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफिंग में भाग लेकर। डी है कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, यानी इंटरव्यूज़ को आयोजित कर। तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। जो हमारी अथॉरिटी सोर्सेस से कैसे न्यूज़ गैदरिंग की जा सकती है, मतलब न्यूज़ गैदर प्रक्रिया में पत्रकार सीधे आधिकारिक सोर्सेस से जानकारी कैसे एकत्र कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ब्रीफिंग को अटेंड करके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डज कोलैबोरेशंस विद इन द न्यूज़ रूम एंड विद अदर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट टू इन न्यूज़ गैदरिंग, यानी समाचार कक्ष के भीतर और अन्य मीडिया संगठनों के साथ सहयोग समाचार प्रक्रिया में, मतलब समाचार न्यूज़ गैदरिंग में कैसे क्या योगदान देता है। समाचार पक्ष के भीतर और अन्य मीडिया संगठनों के साथ सहयोग, मतलब कोई भी मीडिया, अन्य मीडिया, अगर हमारा कोई मीडिया है और उसको अन्य मीडिया संगठन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सहयोग न्यूज़ गैदरिंग में क्या योगदान देता है। ऑप्शन है इसमें ए कंडक्टिंग इंटरव्यू आयोजित करवाता है, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। बी है बिल्डिंग अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टेंट्स, यानी नेटवर्क कॉन्टेंट्स बनाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है इन्हेंसिंग द स्कोप एंड डेप्थ ऑफ न्यूज़ गैदरिंग, यानी न्यूज़ गैदरिंग का दायरा और गहराई बढ़ाता है। डी है लेवरेजिंग डिजिटल टूल्स एंड सोशल मीडिया, डिजिटल टूल और सोशल मीडिया का लाभ उठाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, इन्हेंसिंग द स्कोप एंड डेप्थ ऑफ न्यूज़ गैदरिंग, यानी समाचार जो न्यूज़ गैदरिंग का दायरा और गहराई बढ़ाता है, ठीक है। मतलब अन्य मीडिया कॉन्टैक्ट, मतलब अन्य मीडिया ऑर्गेनाइजेशनों से हमारा सहयोग रखना क्या करता है, क्या करता है, न्यूज़ गैदरिंग का दायरा और गहराई बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट क्वालिटी इज हाईलाइटेड एज क्रूशियल फॉर रिपोर्टर्स इन द न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस, यानी न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस में जर्नलिस्ट यानी रिपोर्टर्स के किस गुणवत्ता का वो महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब ऐसी कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इनमें से कौन सी क्वालिटी होना ही चाहिए रिपोर्टर्स के अंदर। ऑप्शन है इसमें ए रिजिडिटी, यानी रिजिडिटी यानी कठोरता, कड़ापन जो होता है, मतलब सख्त मिजाज का इंसान है ना, कठोर इंसान। बी है कंसिस्टेंसी यानी संगति। सी है अडेप्टेबिलिटी यानी किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर लेना, अनुकूलशीलता कह सकते हैं, अनुकूलनशीलता, अनुकूल होना, किसी भी परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना। डी है आइसोलेशन यानी अलगाव। तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, अनुकूल होना, कि कैसी भी परिस्थितियाँ उनके अनुकूल हो जाना, उनके अनुसार बदल जाना परिस्थितियों के अनुसार, यही कहलाता है अडेप्टेबिलिटी। तो ये ज़रूर होना चाहिए किसी भी रिपोर्टर्स के अंदर, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज अ ओवरअचिंग रोल ऑफ रिपोर्टर्स इन द न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस, यानी जो न्यूज़ गैदरिंग प्रोसेस में पत्रकारों की व्यापक भूमिका
क्या है? ऑप्शन है इसमें ए प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, यानी एंटरटेनमेंट को प्रोवाइड करना, ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है शिफ्टिंग थ्रो इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इट करेंटली टू द पब्लिक, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जानकारी को छांटना और उसे जनता के सामने सुसंगत रूप से प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, ठीक है। सी है ऑब्जर्विंग इवेंट्स फर्स्ट हैंड, यानी घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना। डी है बिल्डिंग अ नेटवर्क फॉर कंटेंट्स, यानी संपर्कों का एक नेटवर्क बनाना। तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा बी शिफ्टिंग थ्रो इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इन कोहेरेंटली टू द पब्लिक, यानी जानकारी को छांटना और उसे जनता के सामने सुसंगत रूप से प्रस्तुत करना जो है जर्नलिस्ट का, जर्नलिस्ट की व्यापक भूमिका को दिखाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आर केस स्टडीज कॉमनली यूज्ड, यानी क्या हुआ आमतौर पर केस स्टडी का यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। ऑप्शन है इसमें ए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी पढ़ा है कि केस स्टडी का जो है एकेडमिक एंड साइंटिफिक एनालाइज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी मतलब जो भी एकेडमिक या जो भी रिसर्च मतलब साइंटिफिक एनालाइज होता है उसके लिए ही केस स्टडी की जाती है। तो आंसर यही हो जाएगा इसका बी, 49 का आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू अ कंपनी सेल्स परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग रेवेन्यू ट्रेंड्स एंड मार्केट एनालिसिस, यानी विश्लेषण, यानी किस प्रकार की रिपोर्ट्स किसी कंपनी के बिक्री प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। राजस्व जो रेवेन्यू होता है, ट्रेंड होता है और बाजार में जो भी चल रहा है उसका विश्लेषण उसको दिखाती हैं उसके सहित, तो कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स है इसमें से। ऑप्शन है इसमें ए प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, बी केस स्टडी, सी सेल्स रिपोर्ट्स, डी इंसिडेंट रिपोर्ट्स। तो इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ पर सेल्स की बात भी हो रही है, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सेल्स रिपोर्ट्स। या कौन सी रिपोर्ट्स क्या करती है, ये बिक्री प्रदर्शन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, राजस्व रुझान और बाजार विश्लेषण भी करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सेल्स रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट मेक्स न्यूज़ मोर रेलेवेंट टू रीडर्स, यानी कौन सी बात निम्न में से जो नीचे लिखी है इनमें से कौन सी बात जो समाचार को रीडर्स के लिए अधिक अच्छी प्रासंगिक बनाती है। ऑप्शन है इसमें ए जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण कि उसका सामान्य होना न्यूज़ का। बी है एड्रेसिंग स्पेसिफिक कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट यानी विशिष्ट चिंताओं और हितों को संबोधित करना। सी है इग्नोरिंग रीडर्स प्रेफरेंस यानी जो ऑडियंस है उसके प्रेफरेंस को इग्नोर करना, ये तो आंसर होगा नहीं। डी है मिनिमाइजिंग पब्लिक अवेयरनेस यानी सार्वजनिक जागरूकता को कम करना, तो आंसर आपके सामने ही है, आंसर है इसका बी एड्रेसिंग स्पेसिफिक कंसर्न्स एंड इंटरेस्ट यानी विशिष्ट चिंताओं और हितों को संबोधित करना, ठीक है आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। हाउ डज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इम्पावर द पब्लिक, यानी जो प्रासंगिक जानकारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जनता को कैसे सशक्त बनाती है। ऑप्शन है इसमें ए बाय लिमिटिंग सिविक एक्टिविटीज यानी नागरिकता गतिविधियों को सीमित करके। बी है बाय रिड्यूसिंग पब्लिक अवेयरनेस यानी पब्लिक अवेयरनेस सार्वजनिक जागरूकता को कम करके। सी है बाय इंकरेजिंग एडवोकेसी फॉर इम्पोर्टेंट इश्यूज यानी महत्वपूर्ण मुद्दों की वकालत को प्रोत्साहित करके। डी है बाय मिनिमाइजिंग रीडरशिप यानी रीडरशिप पाठकों की संख्या को कम करके। तो 52 का आंसर आपको दिख ही रहा होगा, इसका आंसर होगा सी बाय इंकरेजिंग एडवोकेसी फॉर इम्पोर्टेंट इश्यूज यानी महत्वपूर्ण मुद्दों की वकालत को प्रोत्साहित करके। प्रासंगिक जानकारी मतलब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जनता को कैसे सशक्त बनाती है, क्या करती है वो महत्वपूर्ण मुद्दों की वकालत करती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग एंड अडेप्टिंग टू चेंजिंग मीडिया कंसम्पशन हैबिट्स क्रूशियल्स फॉर न्यूज़ आउटलेट्स, यानी समाचार आउटलेट्स के लिए मीडिया उपभोग की बदलती आदतों को समझना
और अपनाना क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत से चेंजेस आ रहे हैं हमारे मीडिया में भी, वैसे हमारे जैसी हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, उसके साथ साथ मीडिया में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो उसकी बदलती चेंजेस के साथ खुद की आदतों को बदलना, खुद को मतलब उसके अनुकूल बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है इसमें ए, टू डिस्करेज कंसिस्टेंट मीडिया कंजप्शन हैबिट्स, यानी लगातार मीडिया उपभोग की आदतों को डिस्करेज करके, बिल्कुल नहीं। बी है टू लिमिट द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी मीडिया संगठनों की वित्तीय स्थिरता को सीमित करना, लिमिटेड करना, ये भी नहीं होगा इसका आंसर, सटीक आंसर। सी है टू अट्रैक्ट मोर डाइवर्स रीडरशिप, यानी अधिक विविध पाठकों को आकर्षित करने के लिए। डी है टू डिस्करेज लॉन्ग टर्म रीडरशिप, यानी दीर्घकालिक पाठकों को डिस्करेज करके, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, यानी अधिक विविध पाठकों को आकर्षित करके। अगर हम चेंज जो हो रहा है हमारे मीडिया में, सब चेंजेस हो रहा है, उसके अनुकूल हम होते जाएंगे, अगर उसको अडेप्ट करते जाएंगे तो क्या होगा, हम काफ़ी ज़्यादा पाठकों को अपने न्यूज़ की ओर आकर्षित कर सकेंगे, यानी अधिक विविध पाठकों को आकर्षित करने के लिए जो है हमें अनुकूलित होना पड़ता है, ठीक है। जर्नलिस्ट को क्या करना पड़ता है, मीडिया के में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके अनुकूल होना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, हाउ डज रिकॉग्नाइजिंग डाइवर्स इंटरेस्ट कंट्रीब्यूट टू वेल राउंडेड न्यूज़ कवरेज, यानी विविध रुचियों की पहचान, इंटरेस्ट की पहचान कैसे सर्वज्ञ समाचार कवरेज में योगदान करती है। ऑप्शन है इसमें ए, बाय लिमिटिंग पर्सपेक्टिव्स, यानी पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं, दृष्टिकोण जो होते हैं उनको सीमित करके। बी है बाय फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी, यानी समावेशिता को बढ़ावा देकर। सी है बाय डिस्करेजिंग इंगेजमेंट, यानी सहयोग को इनकरेज करके, बिल्कुल नहीं। डी है बाय रिड्यूसिंग मीडिया कंसम्पशन हैबिट्स, यानी मीडिया उपभोग की आदतों को कम करके, ये भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, बी, बाय फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी, यानी जो है समावेशितों को बढ़ावा देकर, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज ऑफ्टन रूटेड इन द एबिलिटी टू कनेक्ट विद रीडर्स कंसर्न एंड पैशन, यानी जो रीडर्स होते हैं पाठकों की चिंताओं और जुनून से जुड़ने की क्षमता में अक्सर क्या निहित होता है। ऑप्शन है इसमें ए, लिमिटिंग सोसाइटल इम्पैक्ट, यानी सामाजिक प्रभाव को सीमित करना, बिल्कुल नहीं। बी है रिड्यूसिंग पब्लिक अवेयरनेस, यानी सार्वजनिक जागरूकता को कम करना, बिल्कुल नहीं। सी है इम्पैक्टफुल जर्नलिज्म, यानी प्रभावशील पत्रकारिता, यानी लोगों पर प्रभाव पड़े उस चीज़ का, है ना, ऐसी न्यूज़ दें कि हम लोगों पर प्रभाव पड़े। डी है डिक्रीजिंग रीडरशिप, यानी पाठकों की संख्या को कम करना, घटती पाठकों की संख्या। तो इन्होंने पूछा था कि रीडर्स की चिंताओं और जुनून से जुड़ने की क्षमता अक्सर क्या निहित होता है, तो ये होगा इसका आंसर सी, इम्पैक्टफुल जर्नलिज्म, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, हाउ डू न्यूज़ आउटलेट्स स्टे रेलेवेंट एंड अपीलिंग टू देयर ऑडियंस इन अ रैपिडली चेंजिंग मीडिया लैंडस्केप, यानी तेज़ी से बदलते मीडिया लैंडस्केप में समाचार आउटलेट अपने ऑडियंस के लिए कैसे प्रासंगिक और आकर्षक बने रहते हैं। मतलब जो तेज़ी से बदलता टाइम है ये हमारा, है ना, तो मीडिया के तेज़ी से बदलते लैंडस्केप में जो समाचार के आउटलेट्स हैं वो ऑडियंस को कैसे आकर्षक बनाए रहते हैं। ऑप्शन है इसमें ए, बाय इग्नोरिंग सोसाइटल ट्रेंड, मतलब जो सामाजिक ट्रेंड चल रहे हैं उनको अनदेखा करके, बिल्कुल नहीं। बी है बाय लिमिटिंग कवरेज अडेप्टेशन, यानी कवरेज अनुकूलन को सीमित करके, बिल्कुल नहीं। सी है बाय रिस्पॉन्डिंग टू इमर्जिंग इंटरेस्ट, यानी मतलब उभरते हितों का जवाब देकर, उभरते हितों के साथ साथ चलकर। डी है बाय डिस्करेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी दृष्टिकोण की विविधता को डिस्करेज करके, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, बाय रिस्पॉन्डिंग टू इमर्जिंग इंटरेस्ट, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द डिस्क्राइब एज द हार्ट बीट ऑफ इफेक्टिव न्यूज़ रिपोर्टिंग, यानी प्रभावी समाचार रिपोर्टिंग की हार्ट बीट किसे कहा जाता है, मतलब प्रभावी समाचार रिपोर्टिंग की हार्ट बीट किसे कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें ए, लिमिटिंग जर्नलिस्टिक एफर्ट्स, यानी पत्रकारिता के प्रयासों को सीमित करने के लिए, बिल्कुल नहीं। बी है अंडरस्टैंडिंग रीडर्स इंटरेस्ट, यानी
जो रीडर्स हैं उनकी रुचियों को समझना। सी है फॉस्टरिंग नेगेटिविटी इन रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट की नकारात्मकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल नहीं। डी है रिड्यूसिंग सोसाइटल इम्पैक्ट, यानी सामाजिक प्रभाव को कम करना, बिल्कुल नहीं। तो हार्ट बीट रिपोर्टिंग की हार्ट बीट किसे कहा जाता है? अंडरस्टैंडिंग रीडर्स इंटरेस्ट, मतलब जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं हमारे, जो ऑडियंस है, उनके इंटरेस्ट को, उनकी रुचियां किस किस में है, इस बात को समझना ही जर्नलिज्म यानी रिपोर्टिंग की हार्ट बीट कहा जाता है। आंसर बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। हाउ डज कैटरिंग टू रीडर्स डाइवर्स इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटल इम्पैक्ट, यानी जो पाठक होते हैं, रीडर्स होते हैं, ऑडियंस भी कह सकते हैं, पाठकों की विविध रुचियों का ध्यान सामाजिक प्रभाव में कैसे योगदान देता है? ऑप्शन है इसमें ए, बाय रिड्यूसिंग पब्लिक अवेयरनेस, सार्वजनिक जागरूकता को कम करके, बिल्कुल नहीं। बी है बाय लिमिटिंग जर्नलिज्म रूल, यानी पत्रकारिता की भूमिका को सीमित करके, बिल्कुल नहीं। सी है बाय फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी, यानी समावेशित को बढ़ावा देकर। डी है बाय डिस्करेजिंग कम्युनिटी इंगेजमेंट, यानी सामुदायिक सहभागिता को डिस्करेज कर, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, बाय फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी। ठीक है, 58 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। What role does impactful journalism play in societal according to the text? यानी क्या हुआ इसका मतलब? जो टेक्स्ट के अनुसार प्रभावशील, impactful पत्रकारिता समाज में क्या भूमिका निभाती है? ऑप्शन है इसमें ए, फॉस्टरिंग नेगेटिविटी, यानी नकारात्मकता को बढ़ावा देती है, बिल्कुल नहीं। बी है रिड्यूसिंग पब्लिक अवेयरनेस, यानी सार्वजनिक जागरूकता जो होती है, मतलब अवेयरनेस जो होती है उसको कम करता है, बिल्कुल नहीं। सी है शेडिंग लाइट ऑन सोशल इशूज, शेडिंग लाइट ऑन सोशल इशूज एंड इंस्पायरिंग चेंज, यानी सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालना और प्रेरणा देना। ठीक है, डी है डिस्करेजिंग अ डाइवर्स रीडरशिप, यानी विविध पाठक जो होते हैं उनके वर्गों को डिस्करेज करना, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, शेडिंग लाइट ऑन सोशल इश्यूज एंड इंस्पायरिंग चेंज, यानी जो चेंजेस हैं प्रेरणा देने वाले, उनके ऊपर प्रकाश डालना। ठीक है, ठीक, और सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इन्होंने पूछा था कि टेक्स्ट के अनुसार प्रभावशील पत्रकारिता समाज में क्या भूमिका निभाती है, तो वो क्या करती है? हमारे सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। हाउ डस अडेप्टिंग न्यूज़ कवरेज टू रीडर्स इवॉल्विंग इंटरेस्ट बेनिफिट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, यानी पाठकों, जो रीडर्स होते हैं, रीडर्स की बढ़ती रुचियों, इंटरेस्ट के अनुरूप समाचार कवरेज अपनाने में समाचार ऑर्गेनाइजेशन को यानी संगठनों को कैसे लाभ होता है? ऑप्शन इसमें ए, बाय लिमिटिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, यानी वित्तीय स्थिरता को सीमित करके, बिल्कुल नहीं। बी है बाय डिस्करेजिंग रीडरशिप, यानी जो रीडर्स हैं उनको डिस्करेज करके, बिल्कुल नहीं। सी है बाय स्टेइंग रिलेवेंट एंड अपीलिंग, यानी प्रासंगिक और आकर्षक बने रहने से। डी है बाय रिड्यूसिंग सोसाइटल इम्पैक्ट, यानी सामाजिक प्रभाव को कम करके। तो आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, सॉरी सी, बाय स्टेइंग रिलेवेंट एंड अपीलिंग, यानी प्रासंगिक और आकर्षक बने रहकर। ठीक है, रीडर्स की बढ़ती इंटरेस्ट को अनुरूप समाचार कवरेज हम कैसे कर सकते हैं कि उनके जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके अनुसार हम आकर्षक बने रहें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट क्वालिटी, यानी कौन सी क्वालिटी फ्यूज द इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट नेसेसरी फॉर इफेक्टिव रिपोर्टिंग, यानी कौन सी क्वालिटी इफेक्टिव रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक इन्वेस्टिगेटिव भावना को बढ़ावा देता है? जो हमारी इन्वेस्टिगेशन करने की जो भावना होती है उसको बढ़ावा क्यों दे, कौन देता है? गुणवत्ता यानी क्वालिटी प्रभावी रिपोर्टिंग के लिए, मतलब इफेक्टिव रिपोर्टिंग के लिए। ऑप्शन है इसमें ए, अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता, हर किसी को स्वीकार कर लेना। बी है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। सी है एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल, यानी उत्कृष्ट संचार कौशल। डी है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगर हमें जिज्ञासा है ना, तो हमारे अंदर इन्वेस्टिगेशन की भावना बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यूरियोसिटी अगर हमारे अंदर है हर चीज़ को जानने की, तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन की भावना बढ़ जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62।
वॉट इज वाइटल वाइटल फॉर सोर्सिंग इंफॉर्मेशन गेनिंग एक्सेस टू की फिगर्स एंड स्टेइंग इन्फॉर्म्ड इन जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता में जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने, प्रमुख हस्तियों तक पहुंच प्राप्त करने और सूचित रहने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है इसमें ए एम्पैथी, सहानुभूति, बी एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स यानी उत्कर्ष, अच्छे से बातचीत करना आना, संचार कौशल अच्छा होना हमारा, सी है नेटवर्किंग, डी है वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा। तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नेटवर्किंग। अगर हम चाहते हैं कि बड़ी बड़ी हस्तियों से हमारी जान पहचान रहेगी तभी तो हमें न्यूज़ मिल पाएगी उनसे रिलेटेड, है ना। तो प्रमुख हस्तियों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, नेटवर्किंग आना चाहिए हमें। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, मतलब नए नए कॉन्टेंट बनाना, कॉन्टेक्ट बनाना आना चाहिए, है ना, संपर्क बनाना, नेटवर्किंग आना चाहिए। आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज़ पैरामाउंट इन जर्नलिज्म टू इंश्योर एक्यूरेसी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन रिपोर्टिंग, यानी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग में सटीकता, एक्यूरेसी को कहते हैं सटीकता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या सर्वोपरि है, क्या ज़रूरी है। ऑप्शन है इसमें ए इंटरव्यू को स्किल, ये ज़रूरी, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है रिसाइलेंस यानी लचीलापन, सी है एथिकल इंटेग्रिटी यानी नैतिकता आना, नैतिकता की अखंडता, डी है टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, एथिकल इंटेग्रिटी होना चाहिए, ठीक है, नैतिक अखंडता होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट स्किल इज क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण है फॉर एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम सोर्सेज ड्यूरिंग इंटरव्यूज, यानी इंटरव्यूज के दौरान सोर्सेज से वैल्यूएबल अंतर्दृष्टि निकालने के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू के अंदर से कोई भी मूल्यवान न्यूज़ को निकालने के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन है इसमें ए एम्पैथी यानी सहानुभूति, बी है रिसर्च स्किल्स यानी अनुसंधान कौशल, सी है इंटरव्यूइंग स्किल यानी साक्षरता से इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी स्किल्स होती है वो, डी है वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा होना चाहिए। तो 64 हमें इसमें इंटरव्यू की बात हो रही है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटरव्यूइंग स्किल्स होना चाहिए हमारे अंदर, ठीक है, इंटरव्यू का कौशल होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाई इज़ टाइम मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर रिपोर्टर्स इन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में रिपोर्टर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन है इसमें ए टू इन्हेंस एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलशीलता बढ़ाने के लिए, बी है टू नेविगेट चेंजिंग सिचुएशंस यानी बदलती परिस्थितियों को नेविगेट करने के लिए, सी है टू वर्क अंडर प्रेशर्स एंड मीट टाइट डेडलाइंस यानी जो दबाव में काम करना और तंग समय सीमा को पूरा करना, ठीक है, मतलब अगर हमारी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम जो कल न्यूज़ देने वाली है उसको हम परसों देंगे और वो न्यूज़ बेकार हो जाएगी, फिर हमारे लिए ना ही उसकी वैल्यू रहेगी। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि हम दबाव में रहकर ठीक से काम करें, मतलब है ना, और तंग समय सीमा को पूरा करना और जो भी टाइम है हमारा उसमें पूरा ही कर लें अपने वर्कों को, अपनी न्यूज़ को, ठीक है, तो इसलिए ही ये ज़रूरी होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, टू वर्क अंडर प्रेशर एंड मीट टाइट डेडलाइंस, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट क्वालिटी कंट्रीब्यूट टू आर रिपोर्टर्स एबिलिटी टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड अडेप्ट टू डिफरेंट रिपोर्टिंग स्टाइल्स, यानी एक रिपोर्टर की विभिन्न विषयों को कवर करने यानी वाइड रेंज और अलग अलग विषयों को कवर करने और विभिन्न रिपोर्टिंग शैलियों को अपनाने की क्षमता में कौन सी क्वालिटी योगदान देती है। ऑप्शन है इसमें ए वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटिलिटी, बी है रिसाइलेंस यानी लचीलापन, सी है एम्पैथी सहानुभूति, डी है क्रिटिकल थिंकिंग। तो 66 का आंसर हो जाएगा हमारा ए वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा, हम मतलब ऑलराउंडर होना कह सकते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाई इज रिजिलियंस क्रूशियल फॉर रिपोर्टर्स इन जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता में पत्रकारों के लिए, रिपोर्टर्स के लिए रिजिलियंस यानी लचीलापन क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है इसमें ए टू नेविगेट चेंजिंग सिचुएशंस यानी बदलती परिस्थितियों को नेविगेट करने के लिए, बी है टू बाउंस टू
बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स एंड परस्यू स्टोरीज विद डिटर्मिनेशन, यानी असफलताओं से उबरना और दृढ़ संकल्प के साथ कहानियों को आगे बढ़ाना। सी है टू इन्हेंस एडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलशीलता बढ़ाने के लिए। डी है टू अपहोल्ड इथिकल इंटेग्रिटी। तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स एंड परस्यू स्टोरीज विद डिटर्मिनेशन, यानी असफलताओं से आगे बढ़ना, ठीक है, उसको से उबरना और दृढ़ संकल्प के साथ कहानियों को आगे बढ़ाना जो है, इसलिए हमारा लचीलापन होना ज़रूरी है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट डिस्टिंग्विशेस इनफॉर्मल रिपोर्ट्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। डिस्टिंग्विश मतलब अलग है, कैसे अलग है इनफॉर्मल रिपोर्ट्स बाकी रिपोर्ट्स से, ठीक है, बाकी टाइप्स की रिपोर्ट्स से। ऑप्शन है इसमें ए, दे आर कॉम्प्रेहेंसिव एंड स्ट्रक्चर्ड, यानी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या कॉम्प्रेहेंसिव और स्ट्रक्चर्ड होती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो फॉर्मल रिपोर्ट होती है, स्ट्रक्चर्ड है ना। बी है, दे आर ब्रीफ एंड इंटरनल, यानी वह संक्षिप्त और आंतरिक होती है। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने पहले ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो दे आर ब्रीफ एंड इंटरनल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये एक संक्षिप्त और क्या होती है, आंतरिक होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स। टेक्निकल रिपोर्ट्स का प्राइमरी मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। ऑप्शन है इसमें ए, अपडेट स्टेक होल्डर्स ऑन प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, यानी जो है क्या परियोजना की प्रगति पर हितधारकों को अपडेट रहना। बी है, प्रेजेंट डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस ऑफ टेक्निकल प्रोसेस, यानी तकनीकी प्रक्रियाओं की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। सी है, असेस द वायबिलिटी ऑफ अ प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट, यानी जो है हमारा क्या प्रस्तविक परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए। डी है, प्रोवाइड इंसाइट इनटू सेल्स परफॉर्मेंस, यानी बिक्री प्रदर्शन परफॉर्मेंस को अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए। तो 69 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एसेस द वायबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, यानी प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए जो है टेक्निकल रिपोर्ट्स ज़रूरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। विच टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हेल्प इन एसेसिंग द वायबिलिटी ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और प्लान, यानी किस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तावित परियोजना, प्रस्तावित जो की जाती है उस परियोजना या योजना की व्यवहार्यता का आकलन करने में मदद करती है। ऑप्शन है इसमें ए, प्रोग्रेस रिपोर्ट, बी सेल्स रिपोर्ट्स, डी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, सॉरी सी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, डी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स। तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, यानी व्यवहार्यता रिपोर्ट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता को का आकलन करती हैं, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट डू कंप्लायंस रिपोर्ट्स प्राइमरली फोकस ऑन, यानी अलुपान जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स होती हैं वो मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती हैं। ऑप्शन है इसमें ए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, है ना, यानी वित्तीय प्रदर्शन पर। बी है, एडहेरेंस टू रेगुलेशंस पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स, यानी विनियामियों नीतियों और या मानकों का पालन करने के लिए। सी है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और एक्यूरेंसेस, यानी अप्रत्याशित घटनाओं या घटनाओं के लिए। डी है, इन डेप्थ एग्जामिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक स्टडी, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर गहन जांच करने के लिए। तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इसलिए ये रिपोर्ट ज़रूरी होती है, एडहेरेंस टू रेगुलेशंस पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। विच रिपोर्ट्स टाइप अपडेट्स स्टेक होल्डर्स ऑन द ऑनगोइंग स्टेटस ऑफ अ प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव, यानी जो रिपोर्ट्स मतलब कौन सी रिपोर्ट
का जो टाइप है निम्न में से कौन से रिपोर्ट टाइप है, किसी परियोजना या पहल की जो भी स्थिति है उसके बारे में वो बताती है, उसके बारे में अपडेट देती है, कोई भी परियोजना के बारे में, है ना। ऑप्शन है इसमें ए कंप्लायंस रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट, बी प्रोग्रेस रिपोर्ट, सी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, डी सेल्स रिपोर्ट। तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा बी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो होती है किसी भी परियोजना या है ना उसके स्टेटस के बारे में हमें रिपोर्ट करती रहती है, तो आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट्स, यानी जो घटना जो इस इंसिडेंट रिपोर्ट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन इसमें ए प्रोवाइड इंसाइट इनटू सेल्स परफॉर्मेंस, यानी बिक्री प्रदर्शन को या अंतर्दृष्टि को प्रदान करना, बिल्कुल नहीं, ये तो आएगा नहीं, इसका आंसर बी है। बी है एसेस द वायबिलिटी ऑफ अ प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट, यानी प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करना, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। सी है डॉक्यूमेंट डिटेल्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और एक्यूरेंसेस, अप्रत्याशित घटनाओं या घटनाओं का दस्तावेज विवरण, ठीक है, इवेंट्स का दस्तावेज विवरण दिखाना। डी है प्रेजेंट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी किसी विशिष्ट स्थितियों की गहन जांच प्रस्तुत करना। तो 73 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कोई भी घटना हो गई है ना तो उसके बारे में रिपोर्ट करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स देना, डॉक्यूमेंट डिटेल्स ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और एक्यूरेंसेस, यानी अप्रत्याशित घटनाओं या घटनाओं का दस्तावेज विवरण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच रिपोर्ट टाइप इज क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग रॉन्ग डूइंग, एक्सपोजिंग हाइडन इंफॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशंस, यानी गलत कार्यों का विश्लेषण करने, छिपी हुई जानकारी को उजागर करने या किसी स्थिति की गहन समझ प्रदान करने के लिए कौन सी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है इसमें ए केस स्टडी, बी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, सी एनुअल रिपोर्ट्स, डी प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो इसका आंसर सीधा होगा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव मतलब कोई सी भी जांच करना, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है रॉन्ग डूइंग गलत, या एक्सपोजिंग हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, और प्रोवाइडिंग एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, यानी गलत कार्यों का एनालाइज करने के लिए या छुपी हुई गलत इन्फॉर्मेशन को उजागर करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मतलब इस यूनिट का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो है व्हाट डू एनुअल रिपोर्ट्स टिपिकली इंक्लूड, यानी वार्षिक रिपोर्ट में जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं उसमें आमतौर पर क्या शामिल होता है। ऑप्शन है इसमें ए डिटेल एक्सप्लेनेशंस ऑफ टेक्निकल प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस की व्याख्या यानी डिटेल्स होती हैं, बिल्कुल नहीं, एनुअल रिपोर्ट्स में ये तो होता नहीं है। बी है कॉम्प्रहेंसिव समरीज ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी किसी कंपनी का एक व्यापक वित्तीय प्रदर्शन क्या रहा, है ना, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा पूरे वर्ष का। सी है असेसमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट वायबिलिटी, यानी जो परियोजना व्यवहार्यता का आकलन, ये भी नहीं होगा। डी है अपडेट ऑन प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, यानी प्रोजेक्ट की प्रगति का अपडेट्स लेना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, मतलब किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है, और एनुअल रिपोर्ट्स में क्या आता है किसी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा, प्रदर्शन क्या रहा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। तो ये हमारा जो यूनिट 5 है हमारा इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड का, वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 6 करेंगे, वो वीडियो भी जल्दी ही आएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा तो वहाँ पर आपको सारी ही वीडियो मिल जाएंगी पेपर सेकंड से रिलेटेड, और पेपर फर्स्ट की भी प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर वॉइस से रिलेटेड या फिर ब्लर वगैरह आ रही हो वीडियो तो प्लीज़ मतलब कमेंट्स में बता देना कि ये प्रॉब्लम आई है, तो नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ का ध्यान रखूँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना कोई भी प्रॉब्लम आई हो वीडियो में तो, है ना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 के साथ, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा, और साथ साथ इसका PDF कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ, उसका लिंक दिया है आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा।
और इसके आंसर की भी वहीं पर आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, वहीं पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।